आज बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस के घर में प्रवेश किया है, हजारों की संख्या में कांग्रेस के घर में प्रवेश किया है। ये कांग्रेस का घर हमारे महात्मा गांधी जी का घर है, ये कांग्रेस का घर हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी का घर है, हमारा कांग्रेस का घर नेहरू जी का घर है, हमारा कांग्रेस का घर हमारे देश की संस्कृति का घर है, जो हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है, दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, रिश्ता जोड़ने की, यह कांग्रेस का घर है। और इसमें जिन्होंने प्रवेश किया है मैं उनका स्वागत करता हूं। आपने ऐसे घर में आज प्रवेश किया है, और जो हमारे साथी उस कांग्रेस के घर में हैं, मैं उन्हें एक ही संदेश देना चाहता हूं कि अपना भारत एक ऐसा देश है जहां इतने धर्म, इतनी जातियां, इतनी भाषाएं, इतने त्योहार, इतनी देवी देवताएं, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है। और यही भारत की महानता है कि कांग्रेस की संस्कृति और देश की संस्कृति से आज अपना देश एक झंडे के नीचे खड़ा है। यही कांग्रेस की महानता है और यही संस्कृति पर आज आक्रमण हो रहा है। आज हमारी मुकाबला केवल बीजेपी से नहीं है, हमारा मुकाबला इस देश की संस्कृति को बचाने का है। जिस संस्कृति पर आज हमला हो रहा है, हमारी इतनी भाषाएं, हम यहां से दक्षिण जाते हैं तो हमारा पजामा और धोती भी लुंगी बन जाती है, सही है ना? हमारे घर में एक देवता की पूजा करते हैं, बाहर जाते हैं दूसरी देवता की पूजा करते हैं। ये देवी देवताओं का, ये हमारे आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है, और यही अपने देश की पहचान पूरे विश्व में है। कोई ऐसा देश नहीं है अपने विश्व में। और अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के घर की, उनका कैसा घर है? इनका घर तो गोडसे का घर है, इनका घर हमारे बेरोजगार नौजवानों का घर है। जिस प्रकार आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की भविष्य की है, आज का नौजवान जो हमारे प्रदेश का निर्माण करेगा भविष्य में, आज का नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आज के नौजवान में एक तरफ है, आज का नौजवान कोई ठेका या कमीशन नहीं चाहता, वह तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। और ये बेरोजगारी का जो घर बीजेपी का है, भ्रष्टाचार का घर भारतीय जनता पार्टी का है, हमारे किसानों की आत्महत्या, जो किसान तड़प रहा था बीज और खाद के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी का घर है। आज प्रश्न हमारे सामने है कि हम कौन से रास्ते में चलना चाहते हैं। हम मोदी के रास्ते में चलना चाहते हैं या अपने देश की संस्कृति और अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के रास्ते पर चलना चाहते हैं। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी, 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। सौदेबाजी में मैं मुख्यमंत्री था, सौदेबाजी में सरकार गिरा दी। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था मुख्यमंत्री निवास में बैठकर, पर मैंने कहा कि मैं सौदे से कोई कुर्सी नहीं बचाने वाला, मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे से नहीं करने वाला। 15 महीने की सरकार में मुझे 11.5 महीने मिले, लोकसभा का चुनाव आया, आचार संहिता लगी, कौन सा गुना मैंने किया 11.5 महीने में? मैंने किसानों का कर्जा माफ किया, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। और शिवराज जी पहले तो चिल्लाते रहे कोई कर्जा माफ नहीं हो रहा, पर विधानसभा में ये आंकड़े पेश करने पड़े। शिवराज सिंह जी का तो झूठ का घड़ा बहुत बढ़ गया है। कौन सा गुनाह किया मैंने कि 100 रुपए 100 यूनिट में बिजली दी,
कौन सा पाप मैंने किया कि मैंने गौशालाओं का निर्माण किया जो 15 साल में गौशाला नहीं बनी, हमने 11.5 महीने में बताए। कौन सी गलती करी मैंने पेंशन बढ़ा के? और शिवराज सिंह जी कहते हमें हिसाब दे जी अपने कार्यकाल का। मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं आ जाइए, आप देवास आ जाइए, कहीं आ जाइए, आप उस तरफ खड़े रहिए मंच पर, मैं इस तरफ खड़ा रहूंगा मंच पर, आप अपने 18 साल का हिसाब दे दीजिए, मैं 11.5 महीने का हिसाब देता हूं। कौन सी मैंने गलती करी, कौन सी मैंने गलती करी कि अपने पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया? कौन सी गलती करी मैंने कि हमने अपने बच्चियों के लिए विवाह की योजना बनाई? आज 18 साल की तस्वीर पूरे प्रदेश के सामने है। मुझे जो प्रदेश मिला था, आत्महत्या में किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1, बेरोजगार में नंबर 1 पूरे देश में, महिला पर अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1, ऐसा प्रदेश मुझे सौंपा था। और आज इन सब पर हम नंबर 1 हैं। शिवराज जी तो आएंगे, लंबी चौड़ी बातें घोषणाओं के तो वीर हैं, सब जानते हैं, कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह लो। शिवराज जी आज नौजवान बिना काम के, किसान बिना दाम के, छोटा व्यापारी बिना व्यापार के, शिवराज जी आप किस काम के? मैं तो ये पूछता हूं, ये आज तस्वीर हमारे सामने है। मैं दोहराना नहीं चाहता ये कौन सी तस्वीर है, ये तस्वीर आप सबके सामने है। और आज हमें चुनना है, आज हमें तय करना है कि मोदी का रास्ता क्या है। याद है मोदी जी कैसे कहते थे कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा? 13 और 14 में ये कहते थे किसानों को 50% नफा होगा। कहते थे मोदी जी 4 साल बाद 5 साल बाद किसानों की बात नहीं करते, नौजवानों की बात नहीं करते, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। कांग्रेस को पाठ पढ़ाएंगे राष्ट्रवाद का? मैं तो मोदी जी से पूछता हूं, एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी का नाम बता दीजिए जो आपके साथ जुड़ा हो, आपके पार्टी के साथ जुड़ा हो, और आप राष्ट्रवाद का पाठ हमें पढ़ा रहे हैं। कितने बड़े कलाकार हैं, अब तो बढ़ी हुई दाढ़ी थी, जितनी दाढ़ी बढ़ी उतने पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ गया, और जब दाढ़ी थोड़ी सी काटी तो थोड़ा सा पेट्रोल और डीजल का भाव गिर गया। देखते रहिएगा इनकी दाढ़ी, दाढ़ी बढ़ेगी तो पेट्रोल और डीजल का भाव बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, दाढ़ी कटेगी तो 1 रुपए कुछ रुपए दाम भी कम हो जाएगा। ये आज तस्वीर देश की और प्रदेश की आपके सामने है। नोटबंदी होए, कोविड की बात होए, किसानों की आत्महत्या की बात होए, आज ये तस्वीर आप सबके सामने है। मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि हम कैसे अपने प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखें, कैसे हम अपने प्रदेश को फिर से उस पटरी पर लाएं जहां हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित है, हमारे किसानों में फिर से मुस्कुराहट आए। 70% हमारा देश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है, जिसकी किराने की दुकान गांव में चलती है, वो किराने की दुकान तब चलती है जब किसानों के जेब में कुछ पैसा हो, उसका बच्चा पढ़ सकता है, अच्छे कपड़े पहन सकता है जब किसान की जेब में पैसा हो। ये आज तस्वीर हमारे सामने है। देवास तो हमारे संस्कृति का प्रतीक है, देवास हमारे संस्कृति का प्रतीक है, किस प्रकार की एकता यहां है, हर समाज में हर धर्म में देवास। पर आपको अगर ये प्रतीक रहना है, आपको इस मैदान में उतरना पड़ेगा। ये कमलनाथ की लड़ाई नहीं है, ये कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये आपकी लड़ाई है, आपको मध्य प्रदेश की भविष्य की लड़ाई है। और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना,
सच्चाई देख लीजिए, सच्चाई का साथ देना। और अगर आपने सच्चाई का साथ दिया, आपने अगर सच्चाई का साथ दिया तो देवास में भी इतिहास बनेगा। और मैं ये कहना, देवास मेरे से अभी पूछा गया कि आप देवास क्यों आए हैं, मैंने कहा देवास हमारे प्रदेश का एक प्रतिष्ठित शहर है, इसको देवास में एक नई नया इतिहास शुरू हुए, ये हमारा प्रयास। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आप हमें फेसबुक पे देखते हैं तो फेसबुक पे शेयर जरूर करें। नमस्कार।